हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद नीलम। आज हम बची हुई ब्रेड से बनाएंगे एक रेसिपी, तो बहुत अच्छी होगी। और वो कड़क ब्रेड होती है ना, जो आगे पीछे होती है, उसकी बहुत अच्छी एक रेसिपी बन जाएगी। तो हमें ब्रेड लेना है और उसको है ना स्क्वायर्स में कट करना है, छोटे छोटे स्क्वायर्स में, जैसा अभी मैं काट रही हूँ वैसे स्क्वायर्स में कट करना है। ये कट किया और गैस ऑन कर दिया हम लोग ने। अब तवा रखेंगे, तवे में थोड़ा सा तेल डालेंगे जैसे 1 टेबल स्पून, और इसको सेक लेंगे ब्रेड को चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल के, और थोड़ा फास्ट रखेंगे गैस को, और इसको अच्छे से ब्राउन गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे और फिर प्लेट में निकाल देंगे। वापस एकदम 1 टीस्पून जितना तेल लेंगे कढ़ाई में, और इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल देंगे और प्याज डाल देंगे बारीक कटे हुए प्याज, और इसको रोस्ट करेंगे, अच्छे से पकने देंगे। जैसे थोड़ा पकने लग गए फिर हम इसमें कैप्सिकम डाल देंगे अंदर। अब हम इसमें कैप्सिकम डाल देंगे, वो भी बारीक चॉप किए हुए, और इसको अच्छे से पकाएंगे सॉफ्ट होने तक। इसको पकाएंगे और गैस ऑफ कर देंगे। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ऐसी अच्छी रेसिपी देखने के लिए, और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को शेयर कीजिए वीडियो। बाउल लेंगे हम लोग, उसमें एगलेस मेयोनीज, जो वेज मेयोनी है ना वो डालेंगे, और जो एग खाते हैं वो एग वाले मेयोनीज ले सकते हैं। तो इसमें हम 4 टेबलस्पून मेयोनीज डालेंगे, और इसके बाद हम लेंगे सेजवान चटनी चीन्स की, जो जेन है वो जेन सेजवान चटनी यूज़ करेगा। ये मैंने 2 टेबलस्पून यूज़ की है सेजवान चटनी, और आप ये वाले स्पून यूज़ करें तो 1 टेबल स्पून डालना, क्योंकि बहुत स्पाइसी रहती है ये। तो हमने ये 1.5 टेबल स्पून यूज़ की है, और अभी डालेंगे केचप सॉस, जो जेन है वो जेन सॉस यूज़ करेगा, जिसमें कांदा लहसुन नहीं होता है वो यूज़ करेगा। तो ये मैंने ऑनियन और गार्लिक वाला यूज़ किया है। ये डालेंगे कुछ 1 टेबल स्पून सॉस, और अच्छे से मिक्स करेंगे, और ऑरेगानो डाल देंगे, चिली फ्लेक्स डाल देंगे अंदर, थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे, ज़्यादा नहीं क्योंकि स्पाइसी है सेजवान चटनी, इसलिए थोड़ा ऑरेगानो डाल दिया और थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। अच्छे से मिक्स करके अभी इसको हम इसमें डाल देंगे, वो मेरा डालना शूट करना रह गया था, तो इसमें ऐसे मिक्स कर देना डाल के, और इसमें मोज़रेला डाल देना है, थोड़ा टाइम के लिए ढक देना है, और ये रेडी हो गया आपका।